जय हिंद दोस्तों। बिहार होमगार्ड भर्ती 2011 जो कि मधुबनी जिला होमगार्ड भर्ती को लेकर दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जिसके लिए प्रॉपर एक नोटिस भी जारी कर दिया गया है। दोस्तों कल से फिजिकल भी मधुबनी जिले में यानी 27 फरवरी से फिजिकल भी शुरू होने जा रहा है। उससे पहले दोस्तों एक नोटिस भी आई है जो कि सभी अभ्यर्थियों को इस नोटिस के बारे में जरूर जानना चाहिए, नहीं तो दोस्तों आपको भर्ती में सम्मिलित होने का मौका नहीं भी मिल सकता है। इसलिए दोस्तों इस नोटिस को जरूर देखिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, क्योंकि यहां पर जो भी जानकारी मिलती है बिल्कुल सही और सटीक। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और सभी जानकारी को जानते हैं। दोस्तों नोटिस चेक करने के लिए यहाँ पर नोटिस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस भर्ती पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए यह पेज भी ओपन होकर आ गया, जो कि 25 फरवरी का एक नोटिस है और एक 24 फरवरी का नोटिस है। तो दोस्तों चलिए पहले हम 24 फरवरी वाला नोटिस को यहाँ पर पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो कि 25 फरवरी का नोटिस आया है। तो दोस्तों ऊपर में डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होकर आ रहा है, तो आपको दोस्तों देखिए यह डाउनलोड होकर आ गया। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो कि ऊपर में साफ साफ शब्दों में लिखा है, विज्ञापन संख्या 02/2011 के आलोक में दिनांक 14 दिसंबर 2000 के प्रकाशित मास्टर चार्ट का दावा आपत्ति एवं टंकन त्रुटि निष्पादन के पश्चात जन्म तिथि से संबंधित अभिलेख नहीं समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों को पूरक सूची प्रखंड आपको प्रखंड वाइज जारी किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो अभ्यर्थी को कहा गया था कि वह अपना डॉक्यूमेंट जमा करें, वह नहीं जमा किए हैं, तो उनका दोस्तों यहाँ पर 200 अभ्यर्थियों लगभग 200 अभ्यर्थियों को दोस्तों यहाँ पर भर्ती में अब जाने का मौका भी नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर नहीं जमा किए हैं तो आपके लिए दोस्तों यह दुखद खबर है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों सभी अभ्यर्थियों को बताया गया है कौन सा उनका यह सर्टिफिकेट भी देना होगा। यहाँ पर नहीं दिए हैं तो दोस्तों उनका यहाँ पर लिस्ट में नाम भी दे दिया गया है। दोस्तों टोटल यहाँ पर 27 पेज में अभ्यर्थियों का नाम दिया गया है जो कि डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र में कोई नहीं दिए हैं, सर्टिफिकेट इस प्रकार के, जाति प्रमाण पत्र नहीं दिए हैं उनका, दोस्तों यहाँ पर एक तरह से रिजेक्ट स्लिप दोस्तों यह जारी कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि 201 अभ्यर्थियों का सूची इसमें जारी किया गया। दोस्तों इससे नोटिस को आप जरूर देख लीजिएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। उसके बाद दोस्तों यहां पर 25 फरवरी के आपको साफ साफ समराहालय द्वारा समझा दिया गया कि जो अभ्यर्थियों का यहां पर डॉक्यूमेंट नहीं जमा हुआ था उन अभ्यर्थियों को दोस्तों भर्ती में सम्मिलित अब नहीं होने दिया जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 02/2011 के आलोक में गृह रक्षक के स्वच्छ नामांकन हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के तिथि दिनांक 27 फरवरी 2000 से लेकर आपको 6 मार्च 2023 तक हवाई अड्डा मैदान मधुबनी में निर्धारित है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने वाले योग अभ्यर्थियों का मास्टर चार्ट 15 फरवरी को जिला के वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। उस सूची के में वैसे अभ्यर्थी जिनका आवेदन के साथ जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं था उनका नाम वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं किया गया था, यानी दोस्तों प्रकाशित नहीं किया गया था और उनको समय भी दिया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे दिया गया है, जिला अधिकारी के अध्यक्षता में गृह रक्षक चयन समिति द्वारा इस मामले पर विचार करते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका नाम जन्म प्रमाण पत्र अप्राप्त रहने के कारण शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले योग अभ्यर्थी की सूची में नहीं है, उन्हें अपना प्रखंड के निर्धारित तिथि को जन्म प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होने की शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। यानी दोस्तों जिला अधिकारी यह निर्णय लिए थे कि जो अपना प्रमाण पत्र जमा कर देते हैं उनको दोस्तों सम्मिलित होने का मौका मिल जाएगा, अवसर दिया जाएगा। साथ ही इन अभ्यर्थियों को सूची दिनांक 24 फरवरी को मधुबनी जिले की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया था। यानी दोस्तों अगर आप नहीं किए हैं तो अभी भी मौका है, जाकर कर सकते हैं, एक बार रिक्वेस्ट कीजिएगा तो हो सकता है, क्योंकि दोस्तों कल आपका फिजिकल भी होने वाला है। तो दोस्तों यह जानकारी कैसी लगी जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, नमस्कार।